सुपर्ट एक बात काम माइक्रोफोन खोल कर सुन लो, मेरे होते हुए शहर का कुछ नहीं होगा। स्नेक बॉय, स्नेक बॉय सबक सीखने आ गए। टाइम फॉर क्लास। भाई साहब करेक्शन, सीखने नहीं सिखाने। देखते हैं टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है। एक्सपेरिमेंट 7 फेल हो चुका है। जानता हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 हम कल करेंगे। पूरा मूड खराब हो गया। यार यार एकू, ये फ्लाइट क्लाइमेक्स में ट्विस्ट कहाँ से आ गया? मुझे लगा हमेशा की तरह तुम ही जीतोगे। हाँ यार चीकू, बस अपने स्नेक्स को फुल पावर पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ओवरलोड हो रहा है। नागमणि बहुत ज्यादा पावरफुल है, सारे सर्किट फ्राई हो जाते हैं। दे कैन नॉट टेक द पावर। एको, तुमने जो भी कहा समझ में तो नहीं आया, पर हाँ सुनने में बहुत अच्छा लगा। मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही मेरी बातें समझ में नहीं आती। कम ऑन एको, डोंट इंसल्ट यार। इंटेलिजेंस तो फिर भी मिल जाती, पर मेरे जैसा हार्ट थोड़ी ना मिलता। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे लिए मैं एक सेकंड में जान के बाजी भी लगा देता हूँ। आउच, थोड़ा आराम से यार, तुम साइडकिक हो, लेकिन तुम्हारी डिक्शनरी में उस वर्ड का मतलब कुछ और ही है। साइड में खड़े रहकर मुझे किक करते हो। कभी कभी, once in a while। तुम्हारे सारे सक्सेसफुल अटैक्स मुझ पर ही रहे। अब चलो कंप्यूटर शट डाउन प्रोटोकॉल शुरू करो। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, तुम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सब सही तो चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एनिमीज भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। रूल बुक में ऐसा कुछ लिखा है कि मणि का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को नहीं हराया जा सकता? नहीं।
समझ गया, तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करो। शक्ति के हाथ से इसकी रक्षा करने के लिए
दो और मणि भी बनाए गए थे, उसमें से एक है नाग मणि जो तुम्हारे पास है और ये नागों की शक्ति का रूप है। जमीन पर चलते हुए नाग कभी किसी से बैर नहीं रखते, पर वही नाग जब भी कोई आक्रमण का सामना करते हैं तो दुर्जय बनकर शत्रु का नाश करते हैं। ये नाग मणि भी वैसे ही नागों का धैर्य और शक्ति का प्रतिरूप है। दूसरा रक्षक मणि है ड्रैगन मणि, जिसे पुरातन काल में ड्रैगन्स हमारे अंतरिक्ष पर राज करते थे और अपनी तीव्र गति की सहायता से नीचे जमीन पर आक्रमण करते थे। वैसे ही ये मणि ड्रैगन की तीव्रता और शक्ति का प्रतिरूप है। ड्रैगन सो कूल। चिंता का विषय ये है कि ये मणि सिर्फ शारीरिक शक्ति से भी हासिल किए जा सकते हैं, तो इसे धारण करने वाले तो असीम शक्ति के हकदार तो रहेंगे, पर उनके उद्देश्य सर्वथा पवित्र नहीं भी हो सकते हैं, और इसी कारण से ये तीन मणि हमेशा से ही एक दूसरे से अलग रखे गए हैं। वाह 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 वाह, क्या स्टोरी है अंकल, आपको तो टीवी पे राइटर होना चाहिए। एक सेकंड चिकू, पर मैं इस बुरी शक्ति को रोकूंगा कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। अगर नागमणि सिर्फ एक ही बार चमक रहा है तो इसका मतलब कोई दूसरा मणि छीन चुका है, लेकिन तीसरा मणि अभी भी इस धरती पर कहीं छिपा हुआ है। तुम्हें अपने शत्रु से पहले तीसरा मणि ढूंढना होगा। वाओ एकू, एडवेंचर टाइम, कितना मजा आएगा। चलो ना एकू, चलो जल्दी ट्रिप पे चलते हैं। मुझे पैकिंग करनी होगी, सैंडविच की लेनी होगी, ट्रिप के लिए स्नैक्स चूज करने होंगे। चलो जल्दी चलो। एक सेकंड चिकू, ठीक है मैं तीसरा मणि ढूंढ लूंगा और जो भी इसके पीछे है उसको हरा कर रहूंगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और हाँ एकांश, तुम अपने पिताजी से भी मदद ले सकते हो, वो तुम्हारी ताकत के बारे में जानते हैं और वो तुम्हारी ताकत बनेंगे। संजय अंकल की मदद, नाइस आइडिया, फिर तो हम उनकी टेक्नोलॉजी का यूज अपने मिशन के लिए कर सकते हैं। नागरक्षक अंकल, नागरक्षक अंकल, एक फेवर चाहिए था, क्या मुझे भी नागमणि मिल सकता है? वो क्या है कि मैं भी काफी सुपर हूँ, सुपर नहीं सुपर से भी ऊपर हूँ, हल्का हूँ पर तहलका हूँ, तो अगर कहीं और ऐसा 2-for-1 ऑफर चल रहा है तो प्लीज बता दीजिए ना। अगर तुम योग्य हो गए तो तुम्हें भी मणि चुन लेगा। फिर से अंकल स्नेक बन गए, बाय। तुम तो स्नेक नहीं बन सकते ना। नहीं चीकू। अच्छा आप एक बात बताओ, अंकल को क्या कहोगे? मुझे खुद नहीं पता यार। क्या हुआ? मैंने तो होमवर्क फिनिश कर दिया है, तो क्या आपके साथ लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ? अरे एकांश, वो देखो तुम टीवी पे हो। बेटा, जिस तरह तुम इस शहर की रक्षा कर रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पापा, दरअसल मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जरूर बेटा, जरूर। एक बेटे की मदद करने के लिए उसका पापा तैयार है, और एक सुपर हीरो की मदद करने के लिए एक सुपर साइंटिस्ट रेडी। पापा, ये है मेरे सूट का पावर रिसोर्स, नागमणि। वाओ, अमेजिंग, ये बहुत पावरफुल मणि लग रही है। तुम सच में जीनियस हो एकांश, जो तुमने इस मणि की पावर का यूज अपने सूट को एक्टिवेट करने के लिए किया। पापा, नागमणि खतरे में है, ऐसे 2 और मणि हैं जो मुझे ढूंढने होंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है एकांश, पापा तुम्हारी मदद करेंगे। अब चलो, हमें स्पेस सेंटर की लैब चलना होगा। देखो, मैं इसीलिए तुम्हें स्पेस सेंटर के लैब में लाना चाहता था, दुनिया की सारी सैटेलाइट तुम्हारे कमांड पर। वाह पापा, ये तो बहुत अमेजिंग है। तुम्हें तो पता ही है एकांश, तुम्हारे डैड की टेक्नोलॉजी हाईफाई और दिमाग वाईफाई है। अगर नागमणि जैसी और भी मणि है तो बाकी जेम्स भी ऐसी एनर्जी क्रिएट करते होंगे। तुम अपनी मणि इस स्कैनर पर रख दो। कंप्यूटर एनालाइज। नागमणि का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब हम सिमिलर एनर्जी सिग्नेचर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। वाओ डैड, और दुनिया में जहाँ पर वो तीसरा मणि होगा वो हमें सैटेलाइट के जरिए मिल जाएगा, है ना? प्रोफेसर संजय, नाग मणि की एनर्जी सिग्नेचर वाले 2 और जेम्स मिले हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में। जो भी विलन है वो तीसरे मणि की तरफ जा रहा है और काफी करीब है। एटलीस्ट हमें दोनों मणियों की एग्जैक्ट लोकेशन तो मिल गई। इसे मैं मार्क करके तुम्हें इस GPS लोकेटर पर दे रहा हूँ। थैंक्स पापा, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? ये लोकेशन तुम्हें माउंटेन्स में दिखा रहा है। हम कौन? मैं कियारा और चीको। हाँ कियारा तो मैं समझ सकता हूँ, पर चीको क्यों? समझा नहीं सकता पापा, वो कभी कभार काम आ जाता है। ठीक है,
और तुम्हारे सवाल का भी जवाब मेरे पास है। जब से तुम्हारी पावर्स के बारे में मुझे पता लगा तब से ही मैंने तुम्हारे मिशन के लिए कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब वो रेडी है। वाओ पापा, व्हाट अ जेट। लेकिन मॉम को क्या बोलेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम अपने मिशन पे जाओ एकांश, एक बार फिर दुनिया को बचाओ। Ready to fly. Choo-choo.